हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स टुडे डॉट कॉम माई नेम इज़ रमनदीप सिंह एंड टुडे आर गोइंग टू डू एन इंपॉर्टेंट सेशन फॉर एल आई सी एल के लिए 2023 एग्जाम के लिए वी आर डूइंग एन इम्पॉर्टेंट सेशन क्वेश्चन आ जाता है इसमें से एक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस वी आर गोइंग टू डू टूडे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है द फर्स्ट वन द प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ जब भी आप इंश्योरेंस करवाते हो वेन यू डू एंटर इन टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट यू नीड टू बी ऑनेस्ट आप सारे के सारे फैक्ट्स क्लियर करके बताते हो यू हैव टू बी ऑनेस्ट यू यू नीड टू डिस्कलोज ऑल द फैक्ट्स सारे के सारे फैक्ट्स बताते हो वाइल डूइंग हेल्थ इंश्योरेंस यू नीड टू क्लैरिफाई इफ यू आर अ स्मोकर यू नीड टू क्लैरिफाई येस आई एम अ स्मोकर तो एक ऑप्शन होता है यू नीड टू फिल इट यू नीड टू क्लैरिफाई दैट अगर पूछा जाता है तो यू नीड टू क्लैरिफाई एवरीथिंग राइट इन केस लेट्स अज्यूम देर इज अ पर्सन जॉन राइट ही टुक अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड ही इज अ स्मोकर एंड ही know, यू नो टोल्ड द इंश्योरेंस कंपनी दैट a smoker. He lied at लाइड at that point of time. इंश्योरेंस लेते वक्त उसने झूठ बोल दिया कि मैं नहीं स्मोक करता तो ही डायड ऑफ कैंसर उसे कैंसर हो गया बिकॉज ऑफ स्मोकिंग और उसने ये क्लैरिफाई नहीं किया था सो द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट गोइंग टू बियर द ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस कोई भी एक्सपेंस नहीं बियर करेगा बिकॉज इट्स अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड एट मोस्ट गुड फेथ में काम नहीं किया दोनों पार्टीज ने द इंश्योर्ड जो है दे नीड टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन

कैट्रैक्ट मोतिया बिंद वगैरह का ऑपरेशन जो है नहीं कवर करते फर्स्ट वन ईयर में uh, आपके किडनी स्टोन्स नहीं कवर करते इन फर्स्ट ईयर ऑफ यूर इंश्योरेंस पॉलिसी देन इट्स नॉट बड़ी उसे नहीं कवर करते यू नीड टू डिस्क्लोज इट आपको यह डिस्क्लोज करना पड़ेगा इफ यू हैव नॉट डिस्क्लोज दिस अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया Then the you know insured can file a case and he'll win the case. Okay. So this is the principle of at most good faith. of good faith both insured and insurer. They need to explain, they need to, you know, be transparent, truthful. The second principle, principle of insurable interest. Whoever is entering into

ही कैन बी द बेनिफिशरी अगर नेबर बेनिफिशरी बन जाएगा लेट से द नेबर इज़ अ बेनिफिशरी ऑबियसली ही डोंट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ राम और आई मीन इफ यू डोंट रियली हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट देन ऑबियसली आई मीन द कॉन्ट्रैक्ट लैब्स फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल आपने जो है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है फॉर अउस राइट एंड यू सोल्ड दैट हाउस आपने घर बेच दिया And after you you sold that house, I mean, he, it got fire. There there was a fire accident, and obviously, although you paid for the insurance policy, you are not going to get any benefit. You are not going to get uh, any claim for that because you are not the owner anymore. At the time of because you lost you didn't bond any loss. You didn't any So you don't have uh, any insurable interest. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिटी मीन्स यू कैनॉट प्रॉफिट आप पैसा कमा नहीं सकते इंश्योरेंस में से द इंश्योरेंस मीन्स मेकिंग योर लॉस गुड आपके घाटे की भरपाई करना ही जो है मेन गोल है इंश्योरेंस का आपको मुनाफा कराना काम नहीं है फॉर अ हाउस हाउस की वैल्यू है एट लाख रुपीज वैसे इतने का घर आता नहीं है फॉर एग्जाम्पल एक घर की वैल्यू है एट लाख रुपीज and you suffered a loss of five lakh there is a loss of five lakhs but still its value is three lakh now the company is going to pay you five lakh only right the company is not going to give you any profit insurance profit that is a principle of insurance right so indemnity means guarantee to put the insured in the position as he was before the accident putting you, द पोजिशन एज यू वर बिफोर द एक्सीडेंट आग लगने से पहले की सिचुएशन में आपको पहुंचा देना राइट द्योर दैट यू डोंट मेक एनी मनी आउट ऑफ इट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जाम्पल वैसे तो ये लीगल भी नहीं है इफ यू हैव टेकन मोर than वन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर the same subject matter, for example, आपने दो दो health insurance की policies ले रखी है एंड फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एग्जाम्पल फायर इंश्योरेंस की पॉलिसीज ले रखी हैं सेम घर के लिए दो पॉलिसी ले रखी हैं इन केस दर इज अ फायर एक्सीडेंट यू कैनॉट गो टू टू कंपनीज एंड क्लेम दू नो टू फाइल द क्लेम्स ऑब्वियसली इट्स नॉट नो यू आर गु मेक मनी आउट ऑफ इट ऐसे तो बहुत लोग करने लग जाएंगे दैट इज वाई लेट्स टेक एन एग्जाम्पल राज प्रॉपर्टी वर्थ फाइव लैख रुपीज एंड अ इंश्योरेंस फ्रॉम कंपनी ए worth 3 lakh and company b worth 1 lakh so in case of an accident in which he incurred loss of 3 lakhs 3 lakh ka nuksan raj can claim 3 lakh rupee from the company a he cannot file a claim with company b the company a is going to you know make file the claim with company b now the company b is in in, uh, in your shoes right <coughs> company a can file the claim Aap, see the main principle ऑफ इंश्योरेंस इज पुटिंग यू इन द सिचुएशन बिफोर द एक्सीडेंट जो सिचुएशन एक्सीडेंट से पहले थी आपको उस सिचुएशन में ला के रख देना है दिस इज द प्रिंसिपल मेन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ठीक है पांच लाख की प्रॉपर्टी है तीन लाख का नुकसान हो गया आपका तो आपके तीन लाख की भरपाई करनी है राइट तो तीन लाख की भरपाई एक कंपनी ने कर दी राइट बट बी कंपनी ने भी प्रीमियम लिया ना उसको भी कुछ पे करना पड़ करना चाहिए सो कंपनी ए इज गोइंग टू गो टू कंपनी बी

It met uh, an accident an accident ho or right gir it fell into a canal or what right and there was a total damage the car got totally damaged right and the company insurance company paid you the full value of car which is not uh, very common but let's say the uh, the insurance company paid you the full value after getting the claim the insurance company is going to step into your shoes आपके आपकी जगह पे आ जाएगी एंड द स्क्रैप वैल्यू लोहे की कुछ स्क्रैप वैल्यू होगी ना वो इंश्योरेंस कंपनी को जाएगी आपको नहीं मिलेगी गॉट माई पॉइंट तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें ठीक है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन आफ्टर द इंश्योर्ड गेट्स अ क्लेम मनी द इंश्योर स्टेप्स इन टू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड आफ्टर मेकिंग द पेमेंट क्लेम द इंश्योर बिकम्स द ओनर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर तो अ गुड एग्जाम्पल इस कार का इंश्योरेंस तो अगर टोटल डैमेज हो गया कंप्लीट पैसे दे दिए तो स्क्रैप जो है वो इंश्योरेंस कंपनी खाएगी मतलब स्क्रैप के पैसे उनको जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन फॉर एग्जांपल आपने घर की इंश्योरेंस करवाई देयर इज अ फायर इंश्योरेंस राइट एंड इन केस ऑफ अ फायर एक्सीडेंट यू शुड कॉल द द फायर स्टेशन राइट आपको जो है फायर uh, स्टेशन को कॉल करना पड़ेगा कि आप

फायर स्टेशन अगर आपने नहीं किया द इंश्योरेंस कंपनी कैन रिजेक्ट योर क्लेम प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा जस्ट लेट मी जस्ट हाइड माई सेल्फ आप पढ़ नहीं पाओगे नहीं तो दूसरी स्क्रीन में देख पा रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा देर कैन बी मल्टीपल रीजन फॉर एन एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट होने के एक से ज्यादा रीजन हो सकते हैं लेट्स अज्यूम दैट अ पर्सन गॉट अ एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी उसने एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई एंड इनकेस उसका एक्सीडेंट हो गया ही मेट एन एक्सीडेंट ही वेंट टू हॉस्पिटल उसका एक्सीडेंट हो गया उसको हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल जाके उसको हार्ट अटैक आ गया राइट एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक एंड द इंश्योरेंस कंपनी सेट कि नहीं इसको तो हार्ट अटैक आया है तो वी आर नॉट गोइंग टू पे एनी क्लेम ओके दिस एक्सीडेंट से मौत नहीं हुई है हार्ट अटैक से हुई है सो द कॉर्ट आई मीन गोइंग टू रूल आउट ये एक्चुअल केस है कॉर्ट सेट नहीं एक्सीडेंट हुआ था दैट्स वाई हार्ट अटैक है राइट ओके सो थोड़ा सा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट uh, है ये प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिम इनकेस देर आर मल्टीपल रीजन फॉर एन एक्सीडेंट The company, I mean the company and the insured and the insurer, they need to find out the nearest cause. And they need to make sure jo accident hai, the accident caused by let's say whatever the nearest cause. If if the you know the cause is insured, okay, if the cause is insured, yahan pe the person got the accidental insurance policy, right? He didn't have the health insurance policy, right? So, accident may be caused by more than one cause. In case property insured is uh, insured for only one cause, in such cases, nearest cause of the accident is find out. The insurer pays the claim only if the nearest cause is insured. Make sure the nearest, nearest cause is insured. Hoon. In this case, accident is the nearest cause, and that cause is insured. That is why insurer ko claim if there are let's let me repeat myself there can be more than one causes for an accident in that case nearest cause has to be find out nearest cause dunna padega sabse jo nearest cause tha, jo jiske karan accident hua, and claim tabi milega if the nearest cause is insured in this case in the accident insurance policy, accident was the main cause. That was the nearest cause. That is why heart attack is so Okay. So, students, this uh, lecture was part of LIC AAO 2023 crash course available on bankexamstudy.com. In which we are covering the entire syllabus, we are covering both pre and the mains. Descriptive paper is part of this uh, syllabus. डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ा रहे हैं हम इंश्योरेंस फाइनेंशियल भी पढ़ा रहे हैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश वी आर कवरिंग द इंटायर सिलेबस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन इज पार्ट ऑफ द कोर्स सो लिंक टू जॉइन द कोर्स इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन चेक द डिस्क्रिप्शन दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर इन केस ऑफ एनी डाउट आस्क यूर डाउट्स आई एम गोइंग टू आंसर योर डाउट्स लिस्ट ऑफ आर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन वेरियस अदर एग्जाम्स RRB scale two, Bank of Maharashtra, RRB scale three. All these students they took our courses in the past and they cracked their respective exams. I'm really, really happy for all of them. If you doubt, if you want to ask anything, please ask your doubts and we are going to answer your doubts. And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Uh, subscribe the channel and like this video. That's really, really important for me. Thank you and have a very nice day. Bye bye.